एक बारी कन्ना में उंगली मार के सिर को झटका दे के जेड़ा बंदा भ्यौका छिकदा है लड़ी मुंह में कढ़ के ते जिने गोडियां च दर्द है पोतरे नूं कोठे ते चाड़ के ते जेड़ा बंदा मोटरसाइकिल ते है मोटरसाइकिल खलवा के ऐलान सुन लो ऐलान गवर्नमेंट की तरफों है एसी साहब खारियो की तरफों मेरे सज्जे खब्बे दो सरकारी अफिसर खड़े पटवारी महकमा बाग जुल्फकार साहब खड़े ने और मेरे सज्जे पासे चौधरी आरफ मराणा साहब बैठे एसी साहब नूं डीसीओ साहब का फोन आया कि अपने इलाके दे विच ऐलान करा दिओ ताकि इन्हां लोगों नूं पता लग जाए 98 बंदे मर गए ने अजीज भट्टी अस्पताल विच करोना नाल ते उन्होंने अपना फर्ज करदे होया पूरा और मेरे को आए ने मैं उन्हां दे हुक्म की तमील करके मानसा ऐलान पिया करना ते ऐलान दा बाद दे दरवाजे उतमता भागो ते नूनाली तक जांदा पिया सारे बंदे गौर नाल सुन लो जिस बंदे मास्क ना पाया आया ते गवर्नमेंट सख्ती नाल तुहाडे ते एक्शन ले दी जनाबे 25,000 रुपया जुर्माना 6 महीने सजा और उससे वक्त बंदे नूं फड़ के लै जांदे आ गलारे भी सुनदे हो पे तंदूर वाले भी सुनदे हो पे दुकानां वाले भी सुनदे हो पे जेड़ा बंदा बगैर मास्क की सौदा लैना आवे ना कोई रायत नहीं जे हुण तुहाडे नाल गवर्नमेंट करनी कि बहुत ही ज्यादा जोर हो गया करोने का जिला गुजरात के सीनियर अफिसर डीसीओ साहब ने आर्डर किया एसी साहब नूं असिस्टेंट कमिश्नर खारियां के ऐलान करा दो हर इलाके ऐलान पे होंदे ने जिस बंदे मास्क ना पाया होया सिविलियन कपड़िया पुलिस भी फिरदी और तुहानू चुक के लै जाएगी छोटे बच्चे तो लग के जईफ बंदे तक मास्क पा लो ते अपनी जान बचा लो ना अपनी कौम के दुश्मन बनो ना अपनी जान के दुश्मन बनो ना अपने खानदान का दुश्मन बनो यह मैं नजूमी जानना कि धुनी दिया बंदियां नूं कोई अकल नहीं अक्सरों पेशकार मैं देखे ने झावले झावले जैडा मूह कढ़े है ते जनाब बगैर मास्क तो फिरदे ने पे यह मैं नहीं जे पिया करता दो सीनियर बंदे मेरे कोले खब्बे पासे महकमा माल के अफिसर जुल्फकार साहब खड़े सज्जे पैसे चौधरी आरफ मराणा साहब खड़े मैं ऐलान क्या करना ते गवर्नमेंट का ऐलान है एसी साहब खारिया का और डीसीओ साहब गुजरात का 98 बंदे अज मर गए जे करोना नाल अजीज भट्टी अस्पताल में पिंडा का हिसाब जो वखरा है इस वास्ते खुदा का खौफ खाओ अपनी औलाद उत्ते मेहरबानी करो गवर्नमेंट का किया मानो जेड़ा बंदा वक्ते हुकूमत का हुक्म नहीं ना मनता वह समझो बागी है बागी की सजा मौत है कौम का दुश्मन है अपने बच्चों का दुश्मन है अपनी बरादरी का दुश्मन है अपने घरदिया का दुश्मन है अपनी जान का भी सक्का नहीं उस बंदे नाल गल है जिहड़ा अल्लाह का रिज़्क खा के शुक्र अलहम्दुलिल्लाह करता है ते जिहड़ा बंदा टुक्कर खा के भी शुक्र अलहम्दुलिल्लाह करता अमानशाह जी दे नाल कोई गल नहीं क्योंकि जिहड़े बंदे नूं अल्लाह दी नेमत ही पसंद नहीं जदों अल्लाह दे नबी मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमाने आली शान है जिस इलाके विच जिस मुल्क विच कोई वबा फुटे उस इलाके दे बंदे घरों बाहर ना निकलन ते जिहड़ा बाहर वाला कोई बंदा है उस इलाके च दाखल ना होवे इह उस हस्ती दा फरमाने आली शान है जिहदे वास्ते अल्लाह ने कायनात खलक कीती है इंसान बन जाओ बंदे बन जाओ अपनी जान उत्ते तरस करो अपने खासकर बुजुर्गों जिहड़े घर दे तंबीह करो इन्हां बंदियां नूं के खुदा का वास्ता करके मैं अपनी तरफ पिया कहना गवर्नमेंट नहीं भी कहती गवर्नमेंट ने तुहाडे नाल इक्को काम करना है ते मैनूं इह पता है वा धुनी दे बंदे सीधे बड़े ने इक पुलिस वाला अगे आया ना भाई जी दुकानां बंद हो गईआं नठे चढ़े अगे अगे लग गए वह हला आए होर कम आए लेकिन अगर बंदे ताकत ते धुनी दीआं बंदियां जीतनी है ना वा एक बारी बंदा पा के चढ़े हाथ तरन गड्डी विच ते अड्डे च उरा उरा सब कुछ मन जांदा है यह मेरी अपील है चौधरी साहब मेरे को खड़े ने और पटवारी साहब मेरे को खड़े ने मैं अपना फर्ज पूरा कर दिता है इन्होंने हुक्म की तमील कर दी है एसी साहब ने हुक्म सिर मत्थे डीसीओ साहब का बड़ा एहसान जब उन्हें ऐलान करा के अपनी कौम को बचा लिया।